फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका नाम राजभाई और आज आपके सामने एक बार फिर से एक्सट्रीम 125R और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो दिखाता हूं आपको। जैसे कि पता ही आपको कि ये जो वाइजर है ना, ये वैसे तो आपने देखा होगा, आज मैं खुलासा करूं, वैसे किसका नहीं करता, चलो थोड़ा सस्पेंस में रहने दो। ये जिसका भी है, इसके अंदर लगाने के बाद ना लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है। असलते ऐसे कंपनी फिटेड ही आपका ये वाइजर आया हो, और इसके अलावा इसके अंदर कोई वाइजर इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ट्राई हमने करके देखा था बट हमें पर्सनली खुद ही अच्छा लगा, तो हमने सजेस्ट भी नहीं करा किसी को कोई और लगवाने के लिए। और ये नंबर पर वैसे तो यहाँ पर लग सकती है, आप चाहो तो, ज़रूरी नहीं कि लगवाना है, बट आप चाहो तो यहाँ भी फिट करा सकते हो। लेकिन इसे नीचे लगाने से लुक और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। जैसे ऊपर लुक इनहेंस हो गई, इसी तरीके से इसे लगाने से नीचे की लुक इनहेंस हो जाती है, क्योंकि आगे का जो वाइज़र है वो इससे ढक जाएगा और यहाँ पर लगेगा तो। और इसलिए यहाँ पर लगाते हैं नंबर प्लेट फ्रेम, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर फिटमेंट आपका कर दिया गया है। सेम इधर लुक चेकआउट कर लो इसकी। और साथ में आपको देखने मिलेगा शॉकर प्रोटेक्शन और ये फॉक्स लैडर। शॉकर प्रोटेक्शन से आपका मडगार्ड सेफ हो गया, इधर आपका शॉकर सेफ हो गया और नीचे आपकी डिस्प्ले वगैरह हो गई सेफ। तो ये कॉम्बो किट जो हम लगाते हैं इसके अंदर, जब भी ये लगाते हैं ये साथ में लगा देंगे तो लुक और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दोनों तरफ आपको लुक देखने को मिलेगी इसकी। और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसका मोबाइल होल्डर, जो कि आपका लगा देगा इसका मोटो जीनियस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है आपको देखने को मिलेगी, ये ना वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती है इसके अंदर। जो नॉर्मल मोबाइल होल्डर लगे होते हैं उसके अंदर, जब आप रोड पर निकलते हो ना बिना मोबाइल लगाए तो ये वाइब्रेट करते हैं, साउंड करते हैं, अजीब लगता है। तो इसलिए हमने लगा दिया इसका ओरिजिनल मोटो जीनियस का, जो देखने मिलेगा। और इसमें मोबाइल होल्डर लगा, मोबाइल लगाने के बाद ना कहीं पर भी आप इजी टू राइड कर सकते हो अपनी किसी भी बाइक पर मोबाइल लगाने के बाद। और इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर लीवर गार्ड, जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोटेक्ट लीवर गार्ड लगाने से, और लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। आप देख सकते हो इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और ज़रूरी नहीं कि इसमें ब्लैक और कार्बन होता है, आप चाहो तो इसमें और भी कोई कलर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको चाहिए वो। और उसके बाद दिखाता हूँ वो क्रैश गार्ड, देख सकते हैं ये क्रैश गार्ड इसके इंस्टॉल कर दिया गया, फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ हर बार इसके अंदर। उसकी फिटमेंट मैं आपको हर बार जरूर चेक कराऊंगा, इस बार भी कराऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ना वरना आप लोग बाहर फंस जाओगे, क्योंकि बाहर नकली फर्जी लोग ऐसे हैं कि कुछ भी लगाए थे कुछ भी, और जब पता हुआ आपको तो आप ऑब्वियसली बात है प्रॉपर फिटिंग में लगाओगे। तो आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये इसकी फर्स्ट फिटिंग, जो कि आपको देखने मिलेगी इसकी प्रॉपर फिटिंग वालेगी। सेकेंड मिलती है आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर दो इधर से दिखाओ, ये देखो लुक चेकआउट कर लो इधर, ये इसकी सेकेंड फिटिंग है। और थर्ड फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ, ये होता है इसका प्रॉपर फिटिंग वाला क्रैश गार्ड, जो कि इसके अंदर लगा देगा आपकी एक्सट्रीम 125R का। और ये ओरिजिनल है इस फिटिंग का, बाकी आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं यहाँ पर बैजिंग जरूर करवाए थे, बट बैजिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप उठा के देखोगे ना, हिला के देखोगे तो पूरा हिलेगा आपको, चाहे वो इधर का लगाओ चाहे वो लगे इस तरफ का, दोनों तरफ का सेम हिलता दिखेगा आपको, तो समझ जाना कि वो आपकी बाइक के मतलब का नहीं है आपका क्रैश गार्ड। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर एक और चीज़ लगा दी गई, ये देख सकते हैं साइड में लगे इसके थाई पैड्स, जो कि देख सकते हैं इससे आपका टैंक होता है पूरी तरह से, साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। इधर मिलता है आपको टैंक पैड, और जो टैंक पैड है ना अमूमन क्या होता है लोग 100, 50, 150 वाला लगा देते हैं, उसके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, टट क्वालिटी होता है और लुक भी एनहेंस नहीं है, साथ में वो निकल भी जाता है। इसकी पेस्टिंग भी अच्छी है और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको उसकी भी एक बार लुक चेकआउट करूँ, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हम महंगा क्यों दे रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये शिकायत हर किसी की होती है। अब ये 100 रुपये का है, सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ का। अब लुक चेकआउट करो, वैरायटी बहुत सारी आती है इसके अंदर, बट क्या है आपकी बाइक के मतलब का नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये दिखने में टैंक पैड होते हैं बट इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, जल्दी निकल जाता है धूप में या किसी भी चीज़ के अंदर, और ये लगने के बाद बहुत ही अजीब लगते हैं। तो आप इसकी लुक देख लो और उसकी लुक देख लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ जाएगा। जैसे कि भैया से पूछूंगा, भैया ने मेरे को कहा टोका कि भैया महंगा है, बट मैंने भैया को दिखाया सस्ता, कह रहे नहीं अब मुझे बढ़िया लगवाना है। तो क्वालिटी हमें रखनी हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि आपको दिखाना होता है। इसलिए जैसे कि इसका जो लोकल वाला क्रैश गार्ड है वो भी हमारे पास है, बट सिर्फ दिखाने के लिए, लगाते नहीं हैं इसके अंदर। और उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा हॉर्न, जो कि इसके अंदर लगाए गए हैं ओरिजिनल हेला के, उसकी भी साउंड चेकआउट कराता हूँ कैसी होती है आपको। ये देखिए इसे कहते हैं हॉर्न, क्योंकि जब रोड पर निकलोगे ना, रोड पर निकलने का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक में हॉर्न बज रहा है, वरना खुद को नहीं पता होता, रोड पर चलते रहो हॉर्न बजाया लेकिन साइड मिलती नहीं, क्योंकि हॉर्न इसका बहुत ज़्यादा लो है और ये किसी भी बाइक के अंदर आपका इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है ये वाला हॉर्न। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। तो हेलो सर, कैसे हैं आप और ये बताइए कहाँ से आए हैं, ये बताइए। मैं आया हूँ गाज़ियाबाद से, घंटाघर। घंटाघर से मैंने भैया की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसमें काम अच्छा दिखा था, तो इसलिए मैं काम कराने आया हूँ स्पेशली। सिर्फ दिखा अच्छा, यहाँ पर कैसा लगा? नहीं, क्वालिटी भी है, और मैंने जैसे आपने बताया टैंक पैड के लिए मैंने, आपने मुझे दिखाए थे तभी मैंने चेंज करा के दूसरा वाला लिया था। ये जरूरी इनका देखो
हर किसी का जो मिडिल क्लास जो लोग होते जो खरीदते हैं ना, उनको इस चीज़ का इश्यूज़ होता है कि यार महंगा क्यों लगवाएं, जब सस्ता करो, नहीं दिखाएंगे तो उन्हें महंगा ही लगेगा। जैसे क्वालिटी आपने देखी देखी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसी तरीके से क्रैश गार्ड का भी फ़र्क है, हर चीज़ का फ़र्क है। लीवर गार्ड हो, मोबाइल होल्डर हो, हर चीज़ का मेरे पास क्वालिटी ना, चाहे इसमें ना एक एक चीज़, चाहे आपका शॉकर प्रोटेक्शन हो, फॉक्स लाइडर हो, लीवर गार्ड हो, मोबाइल होल्डर हो, क्रैश गार्ड हो, टैंक पैड हो, मतलब ऑल अबाउट ए टू जेड वन टू सब के अंदर प्राइसिंग का फर्क आधे का आ जाएगा, आधे से भी ज़्यादा का, अगर आप क्वालिटी हल्की लगवाते हैं तो। गलत तो नहीं कर रहा सर, मेरा ये लीवर गार्ड लगे हुए थे पुराने वाले, और वो भी रखे हुए भी हैं, आप क्वालिटी देख सकते हो, जो मैंने कहीं और से लगवाए थे। कितने के लगवाए थे? वो लगवाए थे मैं 400 रुपये के। मैंने कितने के दिए आपको? मैं तो ध्यान नहीं, बिल में है अमाउंट में को ध्यान नहीं, 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे वैसे मैंने। हाँ, लेकिन क्वालिटी में बहुत अंतर है। तो यही तो फर्क होता है भैया, पता क्या, आप हमेशा क्वालिटी देखो। मेरे पास दिखा दो, चलो भैया कह रहे हैं दिखाए, भैया खुद दिखाएंगे। ये जो मैंने लगवाए थे, ये देखो भैया ने 400 रुपये के लगाए थे, इतनी हैवी क्वालिटी के, भैया को सिर्फ मैंने दिखाया, भैया ने कहा चेंज कर दो। तो ये होता है फ़र्क, बार बार पैसे खर्च करने से क्या, एक बार में आपका काम हो रहा है तो क्यों ब्रदर। तो ऑल अबाउट भी आपकी सेटिस्फाइड है आप काम से? बहुत 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 सेटिस्फाइड। किसी को रिकमेंड करेंगे अगर कोई आना चाहे ऑल इंडिया से तो? हाँ हाँ बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, काम अच्छा है, क्वालिटी भी है, प्राइसिंग वगैरह प्राइसिंग रीजनेबल है, रीजनेबल है। चलो ये तो थे भैया, तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और आपको भी अगर आना है तो आपको आना क्या है, दिल्ली के करोड़ नायर के रज भाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको गोल चक्कर, हनुमान जी की मूर्ति आपको मिलेगी झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, और उस अपोजिट से एक और अपोजिट आएंगे, क्योंकि मार्केट एंटर मारोगे तो पहले चौक पर ही मेरी शॉप मिल जाएगी, आर एस माज रोड पर राजू भाई एसकेडी के नाम से, जिस पे कि हनुमान जी की फ़ोटो लगी होगी, समझ लेना कि मेरे बोर्ड पर ही लगी है, बाकी यहाँ पर किसी पे बालाजी महाराज की फ़ोटो नहीं लगी हुई है। तो जब फोटो लगी मिल जाएगी तो आप समझ जाओगे मेरी शॉप है। और बैक साइड में देख लो, ये हमारी 36 नंबर गली और ये हमारा आर एस माज रोड, ठीक है ना, ये हमारी शॉप का लोकेशन है। बाकी आप चाहो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से लोकेशन मंगा सकते हो, एड्रेस वगैरह लोकेशन वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, चाहो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। और वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना आपके अपने छोटे भाई को राजू भाई एसकेडी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री, गुड बाय।